दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट बना लिया है तो वीडियो में बताऊंगा कि इंस्टाग्राम से प्रोफेशनल डैशबोर्ड को कैसे हटाएं इंस्टाग्राम पे आपको जैसे ही ओपन करते होंगे प्रोफाइल पे जाते होंगे तो लिखा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड ठीक है तो अगर इंस्टाग्राम पे आप अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड हटाना चाहते हैं तो दोस्तों चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों अगर आपका भी इंटाग्राम पर यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा है ठीक है यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है इसको ओपन करने के बाद देखिए इतना प्रोफेशनल डैशबोर्ड अगर यहाँ से आप तो दोस्तों अगर आपको इंस्टाग्राम से प्रोफेशनल डैशबोर्ड को अपने प्रोफाइल से हटाना है तो इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद अपने प्रोफाइल में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए थ्री लाइन का ऑप्शन दिख रहा है बस थ्री लाइन पे क्लिक कर देना कि यहाँ पे स्वाइप करके आपको नीचे आना है फिर यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में ही ऑप्शन आपको दिखेगा इसका क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स ये ऑप्शन आपको दिख रहा है फोर प्रोफेशनल में तो बस यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स पे इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप तो यहाँ पे स्वाइप करके और आपको नीचे आना है फिर ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट है स्विच अकाउंट टाइप ऑप्शन दिख रहा होगा स्विच अकाउंट टाइप पे क्लिक कर देना है जैसे ही स्विच अकाउंट टाइप पे क्लिक कीजिएगा तो स्विच टू बिजनेस अकाउंट स्विच टू पर्सनल अकाउंट स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट को दोबारा आपको क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बफरिंग ले रहा है फिर उसके बाद थोड़ा देर वेट कीजिए फिर उसके बाद यहाँ से मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड देखिए हट चुका है तो ऐसे आप इंस्टाग्राम पे अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड को हटा सकते हैं ऐसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड को हटा सकते हैं रिमूव कर सकते हैं वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्नो क्रीडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग